नमस्कार किसान भाइयों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली कि जो बैंगन की नर्सरी कितने दिनों के बाद लगाना है और कितने डिस्टेंस में लगाना है, यानी कि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अगर चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले घंटा को ऑन कर लें और वीडियो को और भी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि नर्सरी आपका 15 से 17 दिनों के अंदर नर्सरी को दूसरे खेतों में लगा लेना है और नर्सरी किस तरह से तैयार करना है ये भी मैं वीडियो क्लास में बता दूंगा। लेकिन लगाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो किसान दो प्रकार से लगाते हैं, यानी कि नर्सरी जो है वो दो प्रकार के लगाते हैं, जैसे गड्ढा में एक करके लगाते हैं या दो डबल करके, यानी कि सिंगल करके डबल करके भी लगाते हैं। तो मैं दोनों तरीके में आप लोगों को बताना चाहूँगी किससे लगाना है। अगर आप सिंगल लगाते हैं तो एक फीट पर एक करके लगाना और चौड़ाई 1.5 फीट होना चाहिए किसान भाइयों। अगर दो करके लगाते हैं तो दो बीज करके गड्ढा में लगाते हैं तो उसका जो लंबाई है 2 फीट होना चाहिए और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 फीट होना चाहिए। और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि जो लगाने की जो प्रक्रिया है आप संध्या का 3 से 4 बजे के बाद ही लगाएँ। और नर्सरी लगाने का जो आप बात आ जा रहा है कि नर्सरी तैयार किस तरह से करना है, यहाँ पर मैं बता देना चाहूँ कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।